Hello viewers, today I am going to tell you how to find the location on internet from IP address. किसी की location आपको internet पे कैसे IP address के through आप find out कर सकते हैं, इसको हम बताने वाले हैं. So let's start. IP lookup tool. Enter any IP address and look up its location. ASN organization, proxy और non-proxy and more. किसी भी तरह के डोमेन से अगर आप आईपी एड्रेस निकाल लेते हैं तो उससे आप उस लोकेशन की उस पर्सन की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. और दूसरा है आईपी लोकेशन आयो एक है लिंक, और दूसरा है हु इज लुकअप. हु इज an utility used to query the database related to the information of domain name or IP address and gather detail about the contact information for the owner of the specified domain or IP address. जिस भी owner का आप information चाहते हैं उसका IP address या domain name डालने पर आपको उसका detail मिल जाएगा. The who is a command in generally used to also determine information about the creation date or queries online from a fast dedicated website. अब इससे केवल आप उसके location ही नहीं find out कर सकते, उसका किस date पर उसने start किया, किस समय उसने किया, ये सारी इसके उसकी detail information आप find out कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. इस site पर हम लोग जाएंगे IP location पे. यहाँ पर जाने पे देखिए, यहाँ पर जब भी आप किसी का domain name डालिएगा, मान लीजिए हमने डाला है geo.com, सबसे छोटा वही है, ये पड़ा हुआ है इसमें geo.com, तो वो उसकी location को बता देगा, उसके country को, city को, latitude को, organization को, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड, लॉन्गिट्यूड, सारी चीज़ें वो उसकी बता देगा. हमने पहले निकाला भी था, ये देखिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड. अभी सर्वर थोड़ा धीमा चल रहा है, आ गया, तो अभी धीमा चल रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन देखिए आ गई कि महाराष्ट्र का है, पोस्टल कोड इतना है, लॉन्गिट्यूड इतना है, कंट्री इंडिया है, ये इसका आईपी एड्रेस है, ये सारा कुछ उसकी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी. अब आईपी एड्रेस का लोकेशन जो है वो डिफरेंट वे से वो दे रहा है. ये देखिए लखनऊ दे रहा है, यहाँ पे मुंबई दे रहा है ना. आईपी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है, उत्तर प्रदेश में भी है इसका जियो का. अब आपको और नीचे आइए तो ये देखिए और भी डिटेक्ट कर रहा है. तो जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी वो सब आपके पास आ जाएगी. ये देखिए यहाँ पर DDIT करके लोकेशन दे रहा है, यहाँ पर मैप कर जियो लोकेशन दे रहा है, अभी वो डिटेक्ट कर रहा है. यहाँ पे आके देख लेते हैं, इसमें हम डिटेक्ट कर चुके हैं एक बार. ये देखिए जियो लोकेशन में क्या दे रहा है, आपका ये लोकेशन में नवी मुंबई दे रहा है और ये दे रहा है आपका. तो ये सारा आपका दे देगा. यहाँ पे इज स्पैम दे रहा है, नॉट अवेलेबल दे रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसको नहीं मिली है. यहाँ पे DDIP करके डेटाबेस का आईपी जो निकाला है रिलायंस का, वो ये सारा कुछ दे रहा है. तो यहाँ पे ये देखिए ये टूल्स भी आईपी टूल्स दिए हुए हैं जिसको अब सबनेट कैलकुलेटर में जाइएगा तो इसका सबनेट कैलकुलेट कर देगा. अभी ये देखिए सबनेट कैलकुलेट कर दिया. एक्सट्रैक्ट आईपी एड्रेस करिएगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा. पिंग करिएगा, पिंग मीन्स वो चेक करेगा कि इस समय सर्वर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कर रहा है तो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अदरवाइज एरर दे देगा. और रिवर्स आईपी लुकअप कर सकता है. रिवर्स आईपी लुकअप में आपको आईपी एड्रेस याद होना चाहिए, तो अभी हमने उसको कॉपी नहीं किया तो वापस चलते हैं. ये आईपी एड्रेस था मास्क और आईपी, एंटर आईपी एड्रेस, यहाँ से फिर से ले सकते हैं. जियो करिएगा तो आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा. ये देखिए सारा ये भी दे रहा है कि यहाँ पे इस साइट पे जाइएगा, बहुत अच्छी है, इसमें
सबनेटिंग क्या होती है, सबनेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, आईपी एड्रेस एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, चेक योर आईपी एड्रेस, तो अपना आईपी एड्रेस भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से ईमेल टूल से भी आपका हेडर फाइल में आपका आईपी एड्रेस रहता है ईमेल में, वो दे देगा। डोमेन एज चेकर अब ये बताएगा कि ये जियो कब से स्टार्ट हुआ, तो डोमेन यहाँ पर jio.com दिया हमने, ये आया यहाँ पे। अब इसका क्या रहा, एज चेक करना, एज चेक कर कहाँ गया, हमने गूगल की चेक की थी, यूट्यूब की चेक की थी, यहाँ पे हम लोग यूट्यूब वाले में चलते हैं। ये जो दूसरी साइट हमने बताई हु इज लुकअप, इस पे आप यहाँ पे आकर ये देख सकते हैं, हमने चेक की थी, समय हमारा क्योंकि सर्वर धीमा चल रहा है तो आप इसी से देख लीजिए। नेट रेंज आपका बता देगा, CIDR बता देगा, नेट नेम बता देगा, देखिए गूगल नाम आ गया, और यहाँ पर सारे टेक्निकल डिटेल्स दे रहा है, तो अगर जिसको नेटवर्किंग की नॉलेज होगी वो अच्छे से इसको समझ पाएगा। ये देखिए डोमेन नेम बता रहा है, यहाँ पे आप ये रजिस्ट्री कब हुई है, कब गूगल स्टार्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें, माउंटेन व्यू सिटी दे दिया, स्टेट प्रो सी ए दे दिया, ये सारा एड्रेस दे रहा है, और 16,000 एमफी थिएटर पार्कवे कहाँ पे गूगल है, और इसकी ये देखिए सारा, प्लीज़ नोट दैट रिकमेंड वे, कमेंट वमेंट आ रहा है यहाँ पे, गूगल टीम का एड्रेस दे रहेगा यहाँ पे, ये आपका ये देखिए लिंक दे रहा है, ये यहाँ पे देखिए गूगल का कांटेक्ट देता है, arincontact@gmail.com, यहाँ से आप कांटेक्ट भी निकाल सकते हैं, और अगर कोई अब्यूज़ है तो उसको आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब्यूज़ फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों साइट जो है बहुत ही अच्छी है, और इससे आप किसी भी साइट का लोकेशन निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं लोकेशन दूसरी बार, यहाँ पे करते हैं airtel.com, देखें इसका देता है कि नहीं देता, कितनी देर लगाता है। ये देखिए यहाँ पे एड्रेस तो तुरंत उसने दे दिया, ये आईपी एड्रेस आपका आ गया, ये तुरंत दे दिया उसने, कंट्री दे रहे हैं, जियो का निकाला था, एयरटेल का भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए दे दिया, दिल्ली है, कर्नाटक में है, और ये सारा दे रहा है, आईपी इंफॉर्मेशन सारा दे रहा है, पोस्टल कोड दे दिया उसने, है ना, कानपुर में है, आपका सारी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, कहाँ कहाँ पे आपका उसका एड्रेस है। ये वाराणसी में दे दिया, अबाउट दिस टूल दे रहा है, जियो लोकेशन डेटा ऑफ एंटर्ड आईपी एड्रेस, कोई भी एड्रेस का आपका लोकेशन दे देगा, जियो लोकेशन आपका पता लग जाएगा। इसमें फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, चेक वेबसाइट ऑपरेटिंग सिस्टम, DNS लुकअप, पासवर्ड जनरेटर, MDS जनरेटर, ईमेल से आप हेडर एनालाइज कर सकते हैं, अगर आपने किसी का ईमेल भेजा है तो उससे उसके हेडर में भी आपका एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। अब ये डोमेन एज चेकर दे रहा है, डोमेन एज चेकर में क्या करेगा, ये अगर आपने दिया कि यूट्यूब कितना पुराना है पता करिए, तो वो बता देगा कि कब से शुरू हुआ यूट्यूब, सर्वर तक धीमा है कि वो यही नहीं रहा है। ये आया डोमेन ए चेकर, यहाँ पे देख ये देखिए आपका YouTube हमारा जो शुरू हुआ है वो फरवरी 15,
5 से शुरू हुआ, 16 साल 8 महीना 8 दिन 6 घंटा 47 मिनट से 44 सेकंड हुआ है यूट्यूब को शुरू हुए। तो किसी भी डोमेन की एज वो चेक कर सकता कि कब किसने अपने वेबसाइट को स्टार्ट किया है। इस तरह से हम डोमेन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। सो ये दो साइट बहुत अच्छी हमें लगी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी साइट हैं जिस पे जाकर आप आईपी को के लोकेशन, आईपी से किसी का भी लोकेशन, ईमेल एड्रेस, उसके डिटेल्स, उसका आईपी एड्रेस सब पता कर सकते हैं। अब इसमें देखिए रोबोट टेक्स्ट जनरेटर जो होता है, ये अगर आप जनरेट कर लेते हैं तो आपके सर्च में वेबसाइट ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि गूगल जब किसी भी साइट पे जाता है तो सबसे पहले रोबोट डॉट टेक्स को चेक करता है, और अगर आपकी वेबसाइट में रोबोट डॉट टेक्स होता है तो वो आपके पेजेस को जल्दी इंडेक्स कर पाता है और आपका साइट ज़्यादा ट्रैफिक, आपके साइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आती है। तो ये भी एक SEO का बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक को ला सकते हैं। अब ये एलेक्सा आजकल जो डिवाइस बन गया है वो भी ट्रैफिक को आपके वेबसाइट पे लाने के लिए अच्छा डिवाइस है, और एलेक्सा ट्रैफिक रैंक चेकर होता है, ये चेक करता है कि आपके वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। ब्रोकन लिंक को चेक करता है, मल्टीपल URL ओपनर है जो मल्टीपल URL को ओपन कर सकता है, ओपन ग्राफ चेकर। अब देखिए यहाँ पे ये सारे टूल SEO के दिए हुए हैं, अगर इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए तो वेबसाइट पे आपके ट्रैफिक बहुत अच्छे से आ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप बहुत कुछ पढ़ के सीख सकते हो। डोमेन स्पेशली वेबसाइट के लिए बहुत ही अच्छा। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। Follow my all social media. Thank you.